अबे अब तो मैगी पॉइंट जा रहे हैं। अरे अंकल को दिखता है पैसा, देखना यहाँ पैसा ही पैसा है। वो ट्रक गिरने वाला है अभी वहाँ से, वो देख कहाँ जा रहा है वो। अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो भाई क्राउड बहुत हो रहा था ऊपर साइड। भाई इधर साइड तो बहुत भयंकर व्यू आ रहा था ना यहाँ से, देखो यार सनसेट होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सीन आएगा। मैंने बोला कि अबे तभी बोल रही थी यार वो, अबे यार 1 2 3 भाग 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 भाग, सीधा चल जाओ, खुद रुक देंगे भाई, बे भाई, 7 लाख का जुर्माना है उनमें अगर तेरे को छाप देंगे तो। उस वक्त मैं हूँ बंजारा वाले की गलियों में, तो अभी यहाँ पे निकलने की प्लानिंग हो चुकी है। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया था, वो चल रही है अभी मेरे साथ। तो यार अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे अर्बन ठेला। अरे अंकल देख, अंकल देख रहे, देख रहे इनको, देख रहे हाल, देख रहे वो जो लाल उसमें, फिर मेरे को बोल रहे कि मेरी गलती है सब। मैं पहुंच गया हूँ फाइनली इधर फ्लैट में, अब देखता हूँ मैं इसको बाहर ही बुलाऊंगा, अंदर को एंट्री करानी पड़ेगी। अंकल नमस्ते। हेलो किधर है? नीचे आ गया मैं फ्लैट के बाहर। क्या करना है, स्कूटी पे चलना है कि तू बता किस पे चलना है? तू बता ना। भाई बाइक में चलेंगे तो फिर मेरे पे फिर खाने के पैसे नहीं बचेंगे। तो एक स्कूटी में चलते हैं क्योंकि डिग्गी की जरूरत होगी हमें। क्यों डिग्गी की जरूरत क्यों होगी? कुछ सामान तो रखेंगे उसमें, तो कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो सामान हो गई क्या? क्या है तेरे पास? अबे शॉल बैग है मेरे पास। क्या तू बता ना? मफलर रखा हुआ। तू बता तुझे जो सही लग रहा है। चल आजा देख लेंगे, इसी में चल लेते, क्या बोलूँ फिर तब मैं। तू तू मुझे तो देख, मेरे को तो स्कूटी में सारा सही लग रहा है क्योंकि उसमें डिग्गी भी है। तू कह रहा है कि नब्बे जाना, फिर वो थैले कहाँ रख तेरे सर पे, अगर तेरे को कुछ पसंद आया। अच्छा तो मैंने बैग रखा है, पैसे है ही नहीं मेरे पास, मैं खरीदूंगा क्या? मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अबे अब तो मैगी पॉइंट जा रहे, तो मतलब मैगी पॉइंट का खर्चा मैं दूंगी। नहीं नहीं खर्चा तू क्यों देगी, देख लेंगे यार वो तो। मतलब वो मैं दूंगी क्योंकि तू पेट्रोल लगाएगा ना। ना ना ऐसा थोड़ी था मेरा मतलब। मां मत बोल दे। नहीं नहीं मैं दूंगा, मैं दूंगा सारा पे। फिर मैगी पॉइंट मैं खिला दूंगी, तू पेट्रोल भरा दे। मैंने कहा 30 फुट का है बोर्ड। चल ठीक है ठीक, तू आ तो जा बाहर, तो आ जा भाई मैं वेट कर रहा हूं यहां पे। बाहर आ रही हूं ना तो। अबे तू रेडी नहीं हुई अभी तक, मुझे पता है। मैं रेडी हूँ माँ की कसम। तो आ जा फिर बाहर पे, आ जा फिर। ठीक है जल्दी आ, 2 मिनट वेटी कर रहा हूँ भाई, मतलब आधे घंटे पहले बोल दिया था, मैंने सोचा मैं लेट हो गया, बट टाइम से ये नहीं पहुँच रही है। यानी कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, अब देखे गाली खाऊंगा। चल क्या तू करता लेट, मैं नहीं करती भाई, मैं भी कहाँ करता हूँ लेट। किधर चले? मैगी पॉइंट है कहाँ है तेरी? स्कूटी में चल रहे थे कि चल फिर। अबे सुन पहले डिसाइड तो कर, पहले करेंगे क्या? मैगी पॉइंट पक्का है कि माड़ी? मैगी पॉइंट माड़ी नहीं जाऊंगी। और दिक्कत है बताऊँ क्या? अबे इसका वो थोड़ा जो स्टेप है ना वो थोड़ा ढीला है, देखो जरा बैठ के, बैठ के देखो जरा, कम्फर्टेबल है स्टेप देखो वाला, थोड़ा आगे की तरफ धक्का दे के रखियो, चेंज करा दूंगा यार आगे में मैं ये। अच्छा इसको ऐसे रखना है। हाँ तो गाइस हम निकल चुके हैं मैगी पॉइंट के लिए, मेरे को कराना है इसका फुटरेस्ट चेंज, क्योंकि बहुत दिक्कत दे रहा है, बार बार बंद हो रहा है यार, अगर थोड़ा सा भी झटका पड़ रहा ना। और यार कंपनी वालों से बात करी मैंने, उनने बोला था कंपनी की सीट है कि गारंटी वगैरह नहीं है, कि थर्ड पार्टी आती है कि इसकी सीट। हाँ नहीं 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 ढीला नहीं, ये टूट ही गया। गाइस यार थोड़ा सा फ्यूल अप करवा देते हैं, पैसा देखना यार, पैसा ही पैसा है भाई, 500 का डाल दो। गुंद नहीं छोड़नी भैया। हाँ जी सारी ड्रॉप्स डाल देना भाई, यहाँ महंगी बातचीत चल रही है, 500 रुपये का तेल भर रहा है और ये 500 रुपये के एक राउंड में पी जाएगी यार, इसका माइलेज बहुत कम है यार। यार जावा का ना ये मीटर प्रॉब्लम बहुत दिक्कत देता है यार, कभी ये ज़्यादा बताता है कभी कम बताता है, पता नहीं क्या है। अगर तुम लोग है ना कभी बॉबर तो ये वाली दिक्कत जरूर दिखेगी तुम्हें मीटर। हम फाटक में यार, यहाँ पे फाटक है क्या? नहीं यार यहीं पर ट्रैफिक लग गया आज। अरे अंकल को दिखता नहीं शायद भैया को, अरे यार भैया को दिखता नहीं है। भैया को शक्ति दो यार जाने।
देख नहीं सकते यार वो, देखो ना यार, पर निकले भी तो अकेले हैं वो टैंक है ना, ये भी तो निकले अकेले ही हैं। तो भाई यार सोच तो मैं H&M की भी रहा था, H&M चल लेते हैं पहले क्या। तो यार अभी थोड़ा सा H&M आए हुए हैं, थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह कर लेंगे। सो गाइज H&M में तो आ गए, बट यार इधर हाँ सेल तो चल रही है 50%। तो गाइस शॉपिंग हमने कर ली, अब निकल रहे हम सीधा मैगी पॉइंट ले यार। भाई यहाँ एंटर करते हुए ना जो डाइवर्जन के नीचे हम एंटर करते हैं भाई, वहाँ के बाद तो मौसम ही अलग हो जाता है भाई। बेटा भीड़ देख रही कितनी आ रही भयंकर ऊपर से भाई, क्राउड बहुत हो रहा था ऊपर साइड। ओए क्या चाहिए बेटा, व्हाट डू यू वांट? हो रहा था इसकी आँख देख लाल हो रही। फाइनली यहाँ पे रुके हैं, बहुत टाइम बाद कुछ खाया भी नहीं है, है? बेटा महंगी बातचीत। ओ माय गॉड, रिच पीपल। सो गाइस यार अभी हमने ऑर्डर किया है, क्या क्या हमने ऑर्डर किया? पराठा और तूने बन मस्का। एक हमने पराठा ऑर्डर कर रहा था, एक बन मस्का कर रहा था, दो चाय कर रही, और बाकी तो अभी रेडी हो रहा उधर बना रहे भाई लोग। अभी इस वाले उस पर इतनी भीड़ नहीं है, पर जो बगल वाला है ना हमारे पीछे पे भाई बहुत क्राउड हो रहा था, मैं आपको चेक कराता हूँ ठीक है। ये कुछ ऐसा क्राउड हो रहा था भाई, इधर साइड तो बहुत भयंकर व्यू आ रहा था ना, यहाँ से देखो यार सनसेट होने वाला है, बहुत ही तगड़ा सीन आएगा। तो यार हमारा पराठा आ चुका है, ये कुछ ऐसा है, मोटा बना रखा यार, थोड़ा पतला स्टफ होना चाहिए था, वो खाया जाता है बढ़िया ढंग से। इसके साथ उनने मक्खन दिया हुआ, अभी चाय नहीं आई हमारी। हाँ भाई, ओए ओए, तो बाद में खुजाइयो है, तो बाद में कर लियो खुजली, क्या खाएगा? तो यार सब कुछ तो हो गया, खाना वगैरह खा लिया, पेट पूजा हो गई, बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, हेलमेट वगैरह सब उठा लिया, कुछ भूला नहीं यहाँ से। अब थोड़ा सा यार सनसेट होने वाला है, बस 5-10-15-20 मिनट बाद सनसेट लग जाएगा, फिर एक शॉट वगैरह निकाल लिया, वही निकालने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा शूट वगैरह भी हो जाएगा। मेन तो रीज़न यही का था, ये रही यार अपनी बॉबर यहाँ पर खड़ी हुई, ये गाइस चेक इट आउट गाइस, ये भाई मॉडिफाइड, इस पर ड्यूअल सीट लगा रही थी, और यहाँ का मैंने रैप भी हटा दिया पिछली वीडियो में, बहुत टाइम बाद ला रहा हूँ व्लॉग। अब यहाँ से निकलते हैं, ऊपर साइड चलेगी नीचे साइड? नीचे, मैं तो बोल रहा हूँ ऊपर साइड चल रहे, थोड़ा फिर आ जाएंगे नीचे, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, अभी ऊपर खाली था ना, कुछ नहीं होता, नीचे बना लेंगे तेरी वीडियो यार, घर चल रहे हैं। ऊपर में बताऊं कैसा है, अबे व्यू दिख रहा पूरा, तब पूरा व्यू दिख जाएगा नीचे पे, नीचे चल। चलो यार फिर नीचे ही चल रहे। तो गाइस यार अभी यहाँ से निकल ही रहे थे, शायद इंडिकेटर मेरा हिल गया, एक लौंडे ने बोला कि अबे, तभी बोल रही थी यार वो, अबे यार शिट यार, अब जल ही नहीं रहा है, इसको फिट तो हो जाएगा वैसे, एडजस्ट हो जाएगा। अरे यार फेविक्विक से जुड़ाया था यार, नया थोड़ी लगाया था, अटक तो जाएगा, देखो जरा जल रहा कि नहीं जल रहा है, हैं यहाँ पे आएगी क्या? हो एक ही जल रहा, अच्छा वो दबाया नहीं मैंने, जल तो दोनों रे सही है, बस वो नीचे हो गया था। तो गाइस यहीं पे ले रहे एक टेक, देखता हूँ कैसे रहता है, लेना कैसे पे, बस चलना है सीधा, यहाँ से मुड़ाऊँगा इधर से घुमाऊंगा, फिर वहां से आऊंगा इधर को, गाड़ी आ रही, यहाँ से मैं एक टर्न ले लूंगा इधर को, इधर से जाऊंगा फिर, और फिर वापस सीधा यहीं से आ जाऊंगा, यहीं घुमा दूंगा, बट एक बार पहले गाड़ी ही निकल जाए ना। अब भी आनी थी यार इतनी सारी गाड़ियाँ यार, अभी तक तो पूरी रोड खाली थी यार, बैग भी पहना हुआ ना एक तो, अभी और कितनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, अबे किस्मत ही खराब है भाई, अबे खत्म ही नहीं हो रही गाड़ियाँ, ये ले ले गाड़ी आ गई, चल कोई दिक्कत नहीं है, एक बार यहाँ से ऊपर जाऊँगा, यहीं से घुमा देता हूँ, पीछे से गाड़ी ना आ रही हो, भयंकर यहाँ तो दिक्कत भी है ना, चले 1-2-3 चलूँ, लेट्स गो, चल रहा है क्या,
आगे लेंगे शॉट। सही हुई क्या? हाँ। चल सही है सही है यार, सनसेट तो दिखेगा ही नहीं पर यहाँ से। मैं चलता तो आराम से ही हूँ, इसकी आवाज़ लाउड है ना इस वजह से लगता है यार कि मैं तेज चल रहा हूँ। वैसे 40 से ऊपर तो मैं स्कूटी में ही रहता हूँ, तेरे को साउंड के उससे लगता होगा कि ये तेज चल रही। वैसे तो यहाँ पे तो हम न्यूट्रल भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूट्रल कर दी मैंने, चल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम एक स्पॉट में रुकने वाले हैं, हमेशा जो मैगी पॉइंट आता है ना भाई, तो स्पॉट पर ज़रूर रुकता है। आज वहाँ से वीडियो निकाल के देखते हैं, अगर वहाँ से सनसेट दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। इधर भाई इतना भयंकर ट्रैफिक लगाओ ना भाई, मतलब बहुत क्राउड हो रखा है यार मैगी पॉइंट में ना इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार। तो भाई पहुँच चुके अपने, ये थोड़ी है यार, यही है कि यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है। पहुँच तो गए हम यहाँ पे, बट कहाँ दिख रहा क्या अबे यार फूल हो गया भाई, फूल बन गया क्या वो ट्रक गिरने वाला है वो वहाँ से, वो देख कहाँ जा रहा है वो। अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो बेटा सीधा नीचे जाएगा वो भाई। वो वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख, वहाँ देख, अबे कर क्या रहा है, जा शॉट तो आ गया होगा। ये लो दो टेक तो यहीं हो गए। हैं पैकअप, चल फिर बहुत है, सनसेट तो दिखा ही नहीं यार। मोड़ तो दे, मोड़ तो मैं दूंगा, भरोसा नहीं है क्या यार राइडिंग में? पहले मोड़ना पड़ेगा यार, तू भी यार तो भरोसा ही नहीं होता यार मेरे पे। चलो जी यार बहुत है यार, आज के लिए सनसेट तो यार फेल हो गया मिशन, सनसेट दिखानी इसने बेकार जगह लाई है। चलो यार अब क्या कर सकते हैं, दो ही वीडियो निकली ना। अब एक कंटेंट बताऊं कैसा है, एक ऐसा है यहाँ से जाऊंगा मैं स्पीड में और सीधा पेड़ में लटक जाऊंगा कि गिर गया और भाई कैसे लेटा दूंगा। और फिर तो यार यहाँ पे थोड़ा सा रुके यार, मेरा तो बहुत भयंकर वाली मुंडी दर्द होगी यार। अरे भाई इतना भारी हो रहा है ना हेलमेट, कल मैंने शोल्डर भी मारी यार शाम को जिम में, तो उसका ज़्यादा हो रहा साला। आजकल हैवी हैवी वेट उठा रहा ना तुम्हारा मैडम से, रोड ही क्रॉस नहीं हो रही, नहीं हो रही क्या? चले 1 2 3 में भाग्यो, ठीक है 1 2 3 भाग 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 छब्बे छब्बे भाग 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 सीधा चल जाओ, खुद रुक देंगे पे 7 लाख का जुर्माना है उनमें अगर तेरे को छाप देंगे तो। अबे कोई दिक्कत नहीं है बे, मुझे नहीं ठुकवाना, अबे वो खुद ही रुक जाएंगे, चल के तो देख एक बार। 1 2 3 गो, चल 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 खुद ही रुकेगा खुद ही। तो यार यहाँ से अभी मेडिकल में इसलिए आए क्योंकि यार थोड़ी सी दवाई ली जानी है इसको, तो थोड़ा सा दवाई वगैरह उठा लेते हैं। चलो भैया इसका स्टॉप भी आ चुका है, इसको छोड़ते हैं यहाँ पर, चल ठीक है यार भाई बाय। ओके भाई गोप्रो तो अब खुद ही बंद होने लग गया यार, बहुत कम परसेंट बची हुई, 5% बची हुई। अब ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।